सो वैल्यूज दे आर, ऑक्सीजन के लिए कितनी वॉल्यूम आती है, परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट इज 20.19 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। आर्गन के लिए 0.9 है, एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल जो कॉम्पोजिशन भी है एयर की आपकी, ठीक है, इसको हमने याद रख लेना, 78.1% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आपको पता है 20.9% अप्रोक्सीमेटली होती है, आर्गन 0.9%, ठीक है। तो ये वैल्यूज लर्न करिए, चलो आज आपसे सुनते हैं, ओके। सो कहाँ से स्टार्ट करें, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओके, आंसर दोगे तो बैठ जाओगे, राइट। क्या कैनोपी वाला बताया हुआ है ना मैंने आपको, ठीक है, तो वैसे भी पूछ सकते हैं। चलिए, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर एंड आयरन फिलिंग्स, रवि एडेड वाटर टू द मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड शूक इट वेल, ही फाउंड दैट वन कॉम्पोनेंट डिसॉल्व इन वाटर, इट वॉज सैंड, कैम्फर, आयरन फिलिंग्स, कॉमन सॉल्ट। जिसकी टर्न है सिर्फ वही बोलेगा, सैंड, कैम्फर, आयरन फिलिंग्स एंड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, बैठो। नेक्स्ट, क्वेश्चन भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कॉमन आया, कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग्स, वाटर एंड कॉमन कॉपर सल्फेट, कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग्स, वाटर एंड कॉपर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट है कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट इज अ कंपाउंड, क्या फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का, एमसीक्यू उसका है, कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl, NaCl इज अ कंपाउंड, ठीक है। वाटर, वाटर का फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड, आयरन फिलिंग्स, सिर्फ अकेला आयरन है तो दैट इज एन एलिमेंट, बैठो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट कंटेन बोथ एलिमेंट्स, इसमें से कौन सा पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट्स नहीं है, कार्बन सिलिकॉन, ब्रॉन्ज जिंक, हीलियम नाइट्रोजन एंड कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर, कार्बन सिलिकॉन, हीलियम नाइट्रोजन, ब्रॉन्ज जिंक, कॉपर सिल्वर, हाँ, कौन से पेयर में दोनों एलिमेंट्स नहीं है, हीलियम एंड नाइट्रोजन, बोल देते हैं, मैं लिखने लगी हूँ, कार्बन सिलिकॉन, हीलियम नाइट्रोजन, ब्रॉन्ज जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, इसमें से आपने बताना है कि किस पेयर में दोनों एलिमेंट्स नहीं है, रीजन, दोनों एलिमेंट्स नहीं है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स नहीं है,
हाँ जी लास्ट वत्सल, सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट कंटेन बोथ एलिमेंट्स? हाँ जी योर आंसर इज, वाई लवलीना आंसर दो, पीछे लवलीना के पीछे, उससे पीछे, वाय रीजन भी तो क्लियर करो, रमनीक डालो, ब्रॉन्ज अलॉय है, डेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वो तो कॉम्बिनेशन में चला गया, तो एलिमेंट रहा ही नहीं वो तो, सिट डाउन बैठो सारे, करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज एंड जिंक, बेटा कार्बन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, सिलिकॉन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, हीलियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, ठीक है, कॉपर भी एलिमेंट है, सिल्वर भी एलिमेंट है, जिंक भी एलिमेंट है, सिर्फ एक ये ऑप्शन बचा है ब्रॉन्ज का, और ब्रॉन्ज आपको पता है डेट इज एन अलॉय, डेट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर मिक्सचर आ गया, डेट मीन्स वो चीज अब सिंपल नहीं रही है, तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन में आधी क्लास खड़ी हो गई है, वेरी गुड, ओके, हैव एन ऑड वन आउट विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, गोल्ड, odd one among of the following which does not belong to the set is graphite, germanium, gold and ice. Why ice? बाकी चीजें metal, non metals हैं, ice क्या है, समझ नहीं आ रही मुझे, तो ग्रेफाइट सॉलिड नहीं होता, तो फिर आइस क्या है, मेटल नॉन मेटल, मास्क नीचे कर, अच्छा तो बाकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ग्रेफाइट आ रहा है, नेक्स्ट ऑड वन आउट, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, गोल्ड, आइस, बाय, बाकी गोल्ड, आइस, आपने तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोल दी, एक मेटल बोल दिया, एक नॉन मेटल बोल दिया, एक मेटलाइड में बोल दिया, अब ऑड वन आउट का क्या रीजन हो गया, आइस को क्यों बाहर निकाल रहे, दे ऑल आर एलिमेंट्स, और जो आइस है डेट इज अ कंपाउंड, बैठो दोनों, द करेक्ट ऑर्डर विच डिस्क्राइब्स अ ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैथ्स याद करवा देते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जो सबसे छोटा होता है, छोटा बड़ा बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, पहले आप बड़ा लिखते हो, बड़ा छोटा छोटा, ठीक है, तब आपने ये बताना है कि आउट ऑफ टू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड विच इज लीस्ट सॉल्युबल, विच इज स्टेबल, राइट, ठीक है, विच इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, ठीक है, फिर उसके बाद किसकी ज्यादा है, देन सबसे ज्यादा किसकी है, हाँ जी यहाँ से, हाँ जी बोलिए बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं,
ट्रू सॉल्यूशन. ओके आगे कोलाइड्स. अच्छा फिर आओ ऑर्डर लिखो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के दिखाओ. राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. छोटा बड़ा बड़ा फिर अब कर लो. राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बोथ. इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. इंक्रीजिंग मीन्स अभी बताया मैंने, जिसकी कम स्टेबिलिटी है पहले वो लिखो, जिसकी कम स्टेबिलिटी है पहले वो लिखो. उसके बाद जिसकी ज्यादा, इधर इधर ऑर्डर में लिखना बेटा, एरोज लगाओ. मैच क्या हो गया आपका? एरोज लगानी है दूसरी तरह, दूसरी तरह लेस देन इक्वल टू वाली. बैठो. इज दिस ऑर्डर राइट? ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशंस की ज्यादा होगी देन कोलाइडल देन सस्पेंशन. सस्पेंशंस आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होते हैं सस्पेंशंस. अच्छा आपकी टर्न है. Which method can't be used for separating solution of a solid in liquid? Question clear है? कौन सा method आप इसमें से नहीं use कर सकते अगर आपने एक solid को liquid में से separate करना है? Okay? Distillation, separating funnel, crystallization, evaporation. Okay. Not separating funnel. Which method can't be used? इसमें से आप कौन सा method नहीं use कर सकते if you want to separate a solid from the liquid? Cannot be used. मैंने एक solid को liquid में से separate करना है, इसमें से वो कह रहे हैं कि आप कौन सा solution, कौन सा ये technique नहीं use कर सकते हो. Distillation है, सेपरेटिंग फनल है, क्रिस्टलाइजेशन है, इवेपोरेशन है. और सेपरेटिंग फनल नहीं हो सकता आंसर? फनल में तो हम सॉलिड वैसे ही नहीं लेते हैं. अगर आपका लिक्विड सब्लाइम करने वाला हुआ तो फिर तो हम डिस्टिलेशन यूज कर ही सकते हैं. अगर आपका लिक्विड सब्लाइम करने वाला हुआ, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक, तो वो क्या कर जाएगा? वो वोलाटाइल हो जाएगा, पीछे सॉलिड रह जाएगा. डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो हम नॉर्मली यूज करते हैं सॉल्ट फ्रॉम वाटर सेपरेट करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज सेपरेटिंग. सिट डाउन अर्शप्रीत. ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन होता है ना, ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्यों होता है वो. कन्वेक्शन करंट्स, हीट चेंजेस इन लिक्विड स्टेट. कन्वेक्शन करंट्स पता है आपको वैसे क्या होते हैं? जैसे आपके विंड स्टार्ट ब्लोइंग करती है, ठीक है. हाँ, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. Attractive forces between the particles of dispersed phase and the dispersion medium. Brownian movement is due to convection currents, heat changes in the liquid state, impact of molecules of the dispersion medium on the colloidal particles, attractive forces between the particles of the dispersed phase and dispersion medium.
ब्राउनियन मोशन इज अ जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन क्यों होता है? हीट चेंजेस, पूरा नहीं पढ़ रहे आप, हीट चेंजेस इन लिक्विड स्टेट कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट में हीट चेंजेस हो रहे हैं, वो हो सकता है फैक्टर? कन्वेक्शन करंट्स में नहीं हो सकता, वो तो होते ही एयर्स में है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। बैठो, हाँ आपको मोर देन वन ऑप्शंस भी आ सकती हैं, करेक्ट? ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शंस में लिखा होगा ए बी सी में, ए बी सी डी में अगर दो ऑप्शंस करेक्ट हो रही होंगी तो आपको दो ऑप्शंस शो करेंगे, ठीक है राइट तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा आपको सही लग रहा है। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स, इसमें से आपने बताने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डायमंड, मिल्क, ग्लूकोज एंड मर्करी, और आपको ऑप्शंस गिवन हैं, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, डायमंड, मिल्क, बच्चा स्टैंड अप बेटा, इसमें से ये वन है, दिस इज टू, देख लेना बेटा एक मिनट, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आपने वो बताना है। मल्टीपल चॉइस में है, वन एंड टू, वन थ्री फोर, टू थ्री, ऐसे करके आपको देंगे। ए ऑप्शन में आ सकती हैं दो चीजें, वन दिस इज थ्री, दिस इज टू एंड दिस इज फोर। अब देखो इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स, इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, बी ऑप्शन वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, ए ऑप्शन ए बी सी डी, ए, हाँ जी मिलन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर अब क्या करें, मरकरी है तो, दिस इज वन, दिस इज थ्री, टू, फोर, वन एंड टू, तो मिल्क भी तो होना चाहिए एलिमेंट के, नहीं मिल्क, मिल्क एलिमेंट होना चाहिए, ग्लूकोज, हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, सिट डाउन। Which of the following is a suspension? Milk, milk of magnesia, sugar solution, vinegar. बेटा उसकी टर्न है, milk, milk of magnesia, sugar solution and vinegar. Which of the following is a suspension? Why? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है वैसे, किसका बना होता है? सो दैट इज द करेक्ट आंसर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन। चलो बैठो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्पेंशन? एल्यूमिनियम पेंट, डस्ट स्ट्रॉम, स्ट्रॉम, मडी वाटर एंड मिल्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्पेंशन? इसमें से कौन सा सस्पेंशन नहीं है? एल्यूमिनियम पेंट, मडी वाटर, डस्ट स्ट्रॉम एंड मिल्क. सिंगल करेक्ट आंसर है. वाई? मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं वो सारे सस्पेंशन. ठीक है, अब कर लिया ना पेंट को सस्पेंशन में काउंट, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है. ठीक है, आउट ऑफ विच विच का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो एलिमेंट दोनों ही है बेटा, डायमंड और मर्करी दोनों एलिमेंट्स हैं. हाँ, तो अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, तो ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे. सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं. चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अगेन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से आपने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ध्यान से सुनना है. टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल. सुन लिया? टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल. ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन मेथड. लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं वो? सेडिमेंटेशन मेथड. अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू है. हम सेपरेटिंग फनल से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है, सिट डाउन. सेकंड स्टेटमेंट. करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड ही हम एयर के लिए यूज करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट. क्रीम, क्रीम क्रीम कैन बी सेपरेटेड. क्रीम को हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. एंड द लास्ट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. दे कैन बी सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, नॉट सेडिमेंटेशन मेथड. ठीक है, सिट डाउन. बैठो. क्या अभी बैठो? हाँ, अमोनियम क्लोराइड ही जाएगा, सोडियम क्लोराइड ही सब्लाइम होगा, याद रखना है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड कभी भी सब्लाइम नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल आपने उसको पानी में नहीं डाला हुआ. ठीक है, फिर वाटर जो है वो सब्लाइम कर जाएगा, वाटर बीइंग द वोलेटाइल कंपोनेंट, और पीछे आपका सॉल्ट रह जाएगा. ठीक है, write down one numerical. If 2 milliliter of acetone, if 2 milliliter of acetone is present in 45 milliliter
इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन If 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of this solution. Answer बता के जाओ. कितना है 40/9 पॉइंट्स में वेरी गुड